नमस्कार। सीटेट की नई डेट आई है, आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा, कल और परसों में ये खबर सारी मीडिया पर चल चुकी है। तो क्या चेंज है, क्या अपडेट है, इसी को लेकर के जीरो पीरियड पे एक नया वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। आज हम बात करेंगे सीटेट ने जो जो भी चेंजेस किए हैं, मतलब सीटेट कंडक्ट करने वाली एजेंसी ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE जो इसको कंडक्ट करती है, उसने क्या चेंजेस पे किए हैं, नई डेट क्या होगी, और उसके अलावा इसमें और कौन सी बात कही गई है इस सर्कुलर में, उस पर हम बात करेंगे। 4 तारीख को CBSE की ओर से, जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.IN में, उसमें एक नोटिफिकेशन आया है, और उस नोटिफिकेशन के बेस पे जो नई डेट अनाउंस हुई है, उसके अलावा भी उसमें कुछ और बातें कही गई हैं। आज हम इस वीडियो में उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो जानिए क्या अपडेट है इस पर, बात करते हैं हम और आप मिल करके। ये वो सर्कुलर है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं 4/11/2020 की डेट पे ये इशू हुआ है CBSE CTET 2020 के नंबर से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इसको कंडक्ट करती है, सीटेट की कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से भी आप जानते हैं, उसका कहना है कि 14th एडिशन जो थी इसकी, वो 5/7/2020 संडे, 5/7/2020 को शेड्यूल थी 112 सिटीज पे, उसको पोस्टपोन किया गया। उसके रीजंस थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आपको सबको पता है जो सिचुएशन है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो वो डेट चेंज हुई थी, एंड नाउ इट विल बी हेल्ड ऑन 31 जनवरी 2021, दैट विल बी संडे। 31 जनवरी 2021 यानी कि रविवार के दिन अब ये परीक्षा आयोजित हो गई। तो न्यू डेट आपने जान ली, न्यू डेट का अनाउंसमेंट हो गया, 31 जनवरी आपकी नई डेट रहेगी, आप इस डेट पे परीक्षा देंगे। अब इसके अलावा और कौन सी बात है इस सर्कुलर में, वो भी देख लेते हैं। पहले ये जो परीक्षा थी वो 112 सिटीज में होने वाली थी भारत के, अब वो सिटी नंबर ऑफ सिटीज बढ़ गई हैं, अब 135 सिटीज पे होंगी। मतलब ये जो नंबर ऑफ सिटीज है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़े हैं। 112 की जगह अब 135 शहरों में देश भर के ये परीक्षा आयोजित होगी। अब जो 112 शहर थे उनके अलावा जो नए शहर बने हैं जहाँ पे परीक्षा होनी है, उनके नाम क्या क्या है वो जान लें। तो उनके नाम है लखीमपुर, नागौन, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, भिलाई दुर्ग, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकर नगर, बिजनौर और बुलंदशहर, देवरिया, गोंडा, मणिपुरी, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर और ऊधम सिंह नगर, ये नए शहर हैं। ये जो डार्क में आप देख पा रहे होंगे ना, ये सारे नए शहर हैं जहां पर परीक्षा केंद्र आयोजित किए गए हैं, ये न्यू सेंटर्स हैं, है ना। ये जो सेंटर्स हैं ये नए सेंटर हैं। 112 के बाद जो नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़े, नंबर ऑफ सिटीज बढ़े हैं, उनमें ये सिटीज हैं। पहले 112 पे होनी थी, अब वो 135 सिटीज पे परीक्षा होगी। अब लिस्ट ऑफ सच आइडेंटिफाइड सिटीज इज अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल थी। मैंने आपको लिस्ट के नाम, लिस्ट में वो नाम बताया जो शहर के नाम थे, है ना। लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर चेंज द ऑप्शन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर सिटी। तो ये क्यों हुआ, COVID-19 के कारण बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे गए जहां पर लोगों को सेंटर तक जाने में दिक्कत थी, तो उन लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी CBSE को, तो CBSE ने उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाए हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाए हैं उसका जो तरीका है, आप अपने सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे चेंज करेंगे, उस पर कुछ बात कर लेते हैं।
इस सर्कुलर में डायरेक्टर अनुराग त्रिपाठी ये कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टी फेस बाय कैंडिडेट ड्यू टू कोविड-19, द सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू गिव वन टाइम चांस, एक ही बार मौका दिया जाएगा आपको, बार बार आप अपना सेंटर नहीं बदल पाएंगे, टू द कैंडिडेट्स फॉर करेक्शन इन देयर ऑप्शन ऑफ सिटी फ्रॉम विच दे वॉन्ट टू अपियर इन सीटेड। अब उन लोगों ने ये कहा कि आप अपना जो एग्ज़ाम का शहर है वो बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ही मौका होगा, उसका तरीका क्या होगा वो समझ लें। द कैंडिडेट्स हु विश टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सिटी कैन मेक ऑनलाइन करेक्शन फ्रॉम 7/11/2020 टू 16/11/2020 अप टू 11:59 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखें। 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच, 16 नवंबर 12 बजे के बीच आप अपना ऑनलाइन करेक्शन जा कर के कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया जा सकेगा। ये डेट याद रखें, 7 नवंबर। इसीलिए मैंने ये वीडियो, मैं चाह रहा था कि इसको मैं कल अपलोड करूं, क्योंकि 4 तारीख की डेट पे ये सर्कुलर आ गया था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा वेट कर लें ताकि आपको 7 तारीख, मतलब ये डेट याद रहे कि आपको कब कब से स्टार्ट करना है काम। ऑनलाइन आप 7 तारीख से ही स्टार्ट कर सकेंगे और 16 तारीख तक कर सकेंगे, ये काम के बीच लिए आपको 7 से 16 के बीच का टाइम मिला है, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं इस काम को और 16 तारीख तक आपके पास टाइम है। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू एकोमोडेट द कैंडिडेट्स इन द सिटीज ऑप्टेड बाय देम, ये पूरा प्रयास किया जाएगा, बट इफ द सिचुएशन अराइजेस दे कैन बी अलॉटेड एनी सिटी अदर देन द 4 सिटीज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो जो आप चूज करेंगे, जो आपके विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, आपने जिन विकल्पों पर टिक लगाया होगा उसके अलावा भी कोई दूसरा शहर आपको दिया जा सकता है। वैसे CBSE पूरा प्रयास कर रही है कि आप जो शहर मांग रहे हैं आपको उसी शहर में परीक्षा केंद्र मिल जाए। और आपको अगर कुछ जानना है, समझना है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के बातें जान सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से वो सारी जानकारी दे दी जो इस परीक्षा के लिए आपको, अगर आप केंद्र परिवर्तन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है, और अगर आप केंद्र परिवर्तन नहीं करना चाहते तो ये जानना आपको लिए ज़रूरी है कि आपके परीक्षा की डेट क्या होगी। वो न्यू डेट मैंने आपको बता दी, 31 जनवरी 2021 रविवार को, और ये सारा कुछ मैंने आपके लिए जो अवेलेबल कराया है वो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से है, CBSE/CTET 2020 date 4/11/2020 सर्कुलर के बेस पे। तो ये मैं बिना फैक्ट के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता, जब जानकारी मेरे पास पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है और ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन मुझे प्रॉपरली मिल जाती है उसके बाद ही मैं जानकारी आप तक शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप बने रहिएगा, और बीच बीच में आपके लायक जानकारी लगातार मैं देता रहूँगा CTET के लिए, इसके अलावा भी जो एकेडमिक डेवलपमेंट है, नए इन्वेंशंस हैं, नए तरीके हैं, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।